हाय फ्रेंड्स, मैं कहना भाई सांकड़ा, मैं आज आपको मारुति 800 ओल्ड मॉडल का टाइमिंग कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप देख सके। फ्रेंड्स, ये मारुति 800 है कार्बोरेटर मॉडल 1997 मॉडल। ये इसकी क्रैंक की फुली है जिसको क्रैंक गियर बोलते हैं। आज हम इसकी टाइमिंग आपको बताते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे सेट होगी। ये इसकी क्रैंक की फुली है जिसकी ये काटर ऊपर की तरह होनी चाहिए। ये इसकी कैम की है, कैम है जिसके ऊपर अभी दोनों पर गिरारी लगानी बाकी है क्रैंक और कैम की। ये क्रैंक की गिरारी है जिसमें काटर और बिंदु एक सीध में, काटर ऊपर की साइड होना चाहिए, निशान ऊपर तीर का निशान दिया हुआ है। जहां ये तीर का निशान दिया हुआ है क्रैंक पुली के पास, ये वाला तीर का निशान, और ऊपर कैम की साइड भी एक ये तीर का निशान दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है यहाँ पे। अभी प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं। यहाँ पे बहुत झीणा हो चुका है निशान, ये रहा। ये बड़ा वाशर है जो क्रैंक पुली से पहले ये लगेगा, उसके बाद में ये क्रैंक का गियर लग जाएगा। वाशर का उभरा हुआ भाग हमेशा पुली की साइड रहेगा, क्रैंक गियर की साइड। देखो ना, एक साइड उभरा हुआ भाग लग रहा है, एक साइड बैठा हुआ। कई भाई बोलेंगे कि इसके ऊपर दो निशान क्यों है, कैम के ऊपर एक नीचे और एक ऊपर। तो ये क्रैंक कैम का गिरारी है, ये तीर का निशान। अपन ऊपर की साइड रख के भी मिला सकते हैं और नीचे की साइड रख के भी मिला सकते हैं, इसका रीजन अभी बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये क्रैंक का निशान तीर की सीध में है और निशान एकदम प्रॉपर तरीके से देखने के लिए यहाँ इस साइड आना पड़ेगा। ये गियर होजिंग है, होजिंग से यहाँ पे एक छेद है, होल दिया हुआ है। ये इसकी सीध में, ये त्रिकोण बना हुआ है, इसकी सीध में ये टी का निशान होना चाहिए। जो टी लिखा हुआ है बहुत पुराना हो चुका है, टी सही तरीके से दिख नहीं रहा है, टी लिखा हुआ है, टी इसकी सीध में होना चाहिए, तभी क्रैंक की टाइमिंग प्रॉपर हो जाएगी। और रही बात कैम की टाइमिंग की, और कैम की टाइमिंग, ये तीर का निशान अभी नीचे है, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, इसका रीजन अभी बता रहा हूँ। ये सीध में तीर के निशान पे है, इसका तीर का निशान नीचे और ऊपर दोनों साइड भी रख सकते हैं कैम पुली का। इसका रखने का रीजन ये है कि अगर नीचे रखे तो ये टैपिट एक नंबर पर होगा, जैसे एक दो और निचली साइड से तीसरा नंबर, ये लूज होने चाहिए। और जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको डेल को भी बोलते हैं, करंट कोयल को अलग अलग मैकेनिक अलग अलग भाषा में बोलते हैं, जो एक नंबर रीड की साइड होना चाहिए, एक नंबर प्लग पे जो रीड जाती है, जैसे ये डेल को फिट करते हैं ना यहाँ पे, तो ये एक नंबर रीड है, एक नंबर रीड की सीध में होना चाहिए ये रोटर इसका, और ये यहाँ सही फिट होना चाहिए। सीध फिट करने के बाद में एक नंबर रीड पे होना चाहिए, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। और अगर तीर का निशान ऊपर कर दी इसका तो ये दो नंबर पे होगा, ये दो नंबर पे होगा। तीर का निशान ऊपर कर दे तो ये रोटर है ना, दो नंबर रीड की साइड होगा। यही इसकी प्रॉपर टाइमिंग है, और ऊपर करने पे ये टैपिट आ जाएंगे। इस डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट का गैप, ये पॉइंट है ना, ये इसका गैप हमेशा, ये वाला गैप आरी पत्ती से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तभी प्रॉपर गैप होगा। प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, कोई आवाज वगैरह कोई नहीं है, एकदम रेडी रेड कंप्लीट गाड़ी फिटिंग हो चुकी है। Thanks for watching.